हेलो एवरीवन, मैं कल्पिता ब्यूटी नाइन से। आज मैं आपको दिखाऊंगी नेचुरल मेकअप इंडियन स्किन के लिए। बहुत ही सटल और न्यूड मेकअप करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें अपना लुक जो है उसे काफ़ी नेचुरल दिखाना है। तो हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे मॉइस्चराइजर से। आज मैं इस्तेमाल करूंगी बायोटेक से ये मॉर्निंग नास्टो फेस लोशन, स्पेशली जो फेस के लिए है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये फेस लोशन। ड्राई स्किन के लिए जो है काफी अच्छा है ये। मॉइस्चराइजर के बाद हम बात करेंगे प्राइमर की। हमेशा की तरह हमें जो है एकदम नेचुरल लुक देना है स्किन को, तो मैं इस्तेमाल करूंगी स्विस ब्यूटी से ये जीरो पोर्स प्राइमर, क्योंकि मेरी स्किन पे जो है काफी ज्यादा पोर्स है। अब हम इसे 5 मिनट सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, 5 मिनट जो है मैंने इसे अच्छे से रखा है और ये काफी अच्छे से सेट हो गया है। आज मैंने आई मेकअप की शुरुआत इसीलिए नहीं की क्योंकि हमें बहुत ही सटल और न्यूड मेकअप रखना है। तो उसके बेस के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी पॉन्ड्स से ये बीबी क्रीम, जिसमें SPF 30 और PA++ है। इसे हम शीयर फाउंडेशन कहते हैं। ये एकदम नेचुरल और ड्यूई लुक देता है स्किन को। इसका कवरेज भी जो है काफी अच्छा है। ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। आंखों को आप कवर करना ना भूलें। परफेक्ट। अब हम इसके ऊपर जो है पाउडर का इस्तेमाल कर लेंगे इसे अच्छे से सेट करने के लिए। पाउडर के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी मेबेली न्यूयॉर्क से ये कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसका शेड है 12HR फेयर। इसे हम लेंगे। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे मेबेली न्यूयॉर्क से ये आई पैलेट, जिसमें टोटल जो है 5 शेड्स अवेलेबल है। तो उसमें से मैं एकदम न्यूड शेड उठाने वाली हूँ, वो है ये लाइट ब्राउन, जिसे हम अपने फिंगर टिप्स पे लेंगे और सिर्फ आंखों के बीच में इस तरह लगाएंगे। ये जाने के बाद बारी है मस्कारा की। मस्कारा के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी मेबेलिन से ये बिग शॉट वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। डन। और अब हम लगा लेंगे ब्लश। बहुत ही हल्का ब्लश आपको लगाना है क्योंकि हमें जो है एक ड्यूई फिनिश मेकअप करना है। तो मैं इस्तेमाल करूंगी मेबेलिन से ये मास्टर फ्लश क्रिएटर, जिसमें मैं ये बेबी पिंक कलर का इस्तेमाल करूंगी। अब आ रही है लिपस्टिक की। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक, लास्ट स्टेप, क्योंकि आज मैं आपको दिखा रही हूँ नेचुरल मेकअप। नेचुरल मेकअप में जो है बहुत कम चीज़ें यूज होती हैं।
आईज पे हम लोग लाइनर नहीं लगाएंगे, काजल हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें एक नेचुरल लुक चाहिए। इसीलिए मैंने सिर्फ मेरे लैशेस को जो है हाईलाइट किया है, और लिप शेड आप अपने मनपसंद जो है चूज कर सकते हैं। लिप शेड्स में भी मुझे जो है न्यूड कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, हमेशा की तरह मैं आज भी न्यूड कलर का इस्तेमाल करूँगी। और आप लोगों को मेरा फेवरेट शेड पता है जो है 57 मिस क्लेयर से जो है न्यूड ब्राउन। इसके मैं कम से कम 4 से 5 इस तरह के लिपस्टिक्स अब तक खत्म कर चुकी हूँ। तो दोस्तों मेकअप हमारा कंप्लीट होता है। आप इसे सेट करने के लिए मेकअप फिक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है क्योंकि हम लोग नेचुरल मेकअप करते हैं। इतना मिनिमल मेकअप हम डेली बेसिस पर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप रोज़ मेकअप फिक्सर का इस्तेमाल करें, पर यहाँ पे मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए स्विस ब्यूटी से ये मेकअप फिक्सर जो है इस्तेमाल करूँगी। तो मेरा मेकअप जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।